देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेता कहती कुछ है करती कुछ है। उदाहरण, 6-6 महीने का समझौता मुख्यमंत्री का बीजेपी से हुआ और उस बात से मुकर गई। समाजवादी पार्टी से समझौता हुआ 19 में कि 24 तक के लिए गठबंधन है और चुनाव बीतते ही खत्म हो गया। तो हाथी के 2 दांत होते हैं, दिखाने के और खाने के। और ठीक है, साफ कर दिया, आपके साथ मोर्चे में रहेंगे और लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हमारे मोर्चे में जो लोग हैं हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कोई बात कहीं से लीक हो रही है वो गलत सूचना कहीं से है, ऐसा कुछ है नहीं। और बार बार ओवैसी जी, 2 बार फोन उनका मैंने सुबह उनसे बात किया, तो उसके बाद भी 2 बार उनका फोन आया कि इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं। हम कि हम आप जान रहे हैं सही है ना, फैलने दीजिए, क्या दिक्कत है, कम से कम प्रचार हो रहा है। क्या लग रहा है कि मायावती जी को जमीनी स्तर पर आके एंटी बीजेपी जो वोट है उसको देखना चाहिए और साथ आना चाहिए मजबूत एंटी बीजेपी वोट के लिए? देखिए, आज के तारीख में बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है, जिसका प्रमाण खुद पार्टियां, बड़ी पार्टियां दे रही हैं। बीजेपी के बयान आ रहे हैं, काम हो रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों से समझौता। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सभी लोग कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों से हम समझौता करेंगे, बड़ी पार्टियों से नहीं। इसका मतलब कि छोटी पार्टियों के पास वोट है, बड़ी पार्टियों के पास है नहीं। अब आज यहां देख रहे हैं ना, यहां जो सैकड़ों लोग जुटे थे ये पार्टी के कैडर के लोग हैं, ये वोट दिलाने वाले लोग हैं, ये संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो छोटी पार्टियों के पास वोट है, तो हम लोग जो छोटी पार्टियां इकट्ठा हैं 10 लोग, इसके बाद वोटवा कहां बचता है? आपके जैसे हम शिवपुर विधानसभा में हैं, पाल, प्रजापति, निषाद, चौहान, पटेल, राजभर, यही सब मिलाकर के 2 लाख हो जाता है वोट। ये फ्री का वोट था, अब ये बांध दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। पाल जो है 30,000 पाल को लिया गया, 25,000 प्रजापति को लिया गया, 20,000 चौहान को लिया गया, निषाद को लिया गया, राजभर को लिया गया, पटेल 30,000 को लिया गया, अब यही 2 लाख हो गया। अब ये लोग कहां जाइए, अब कौन उठवे बचाता? ठीक है, आपके बहुत ही वरिष्ठ नेता है शिवपाल यादव जी, वो तो अब फिर परिवार की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप लोग से कैसे समझौता करेंगे? बगैर हमारे मर्जी के नहीं जा सकते शिवपाल जी। हाँ, अब उनके साथ जाते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ वो देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, आपने सवाल किया शिवपाल जी का ना, शिवपाल जी कहीं जाना होगा तो बिना हमसे पूछे नहीं जा सकते। हमारी उनकी वार्ता है, उन्होंने कहा कि हम मोर्चे में शामिल होंगे, कहीं जाना होगा तो हम आपसे कह के जाएंगे। हाँ, ये जान जाइए, इस बार कितने सीटों का दावा कर सकते हैं? ये 403 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे मोर्चे में आपने देखा, संजय सिंह से हमारी बात हो गई, केजरीवाल जी से हम 1-1 हफ्ते में दिल्ली मिलने वाले हैं, उनको भी शामिल करेंगे। ममता जी की एक राष्ट्रीय महासचिव, उनसे बात हो गई, वो दोनों गए हैं बंगाल टीएमसी से, वो भी बात चल रही है। हमारा संजय राउत जी सांसद हैं, उनसे बात हुई, वो भी यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको उन्होंने कहा कि हम मोर्चे में आएंगे। तो उद्धव ठाकरे जी भी आएंगे, जो हमारे मंच लगेंगे, कहीं केजरीवाल मुख्यमंत्री भाषण देंगे, तो कहीं ममता जी भाषण देंगी, तो कहीं उद्धव ठाकरे भाषण देंगे। तो ममता जी तो साफ कर दिया था कि वो चुनाव आएंगी बनारस से, एकदम दावेदारी ठोकेंगी, क्या लग रहा है? स्वागत है, स्वागत है, जीत के जाएंगे, देख लीजिएगा ना, लोकसभा वो लड़ जाए तो बनारस से हम जीतवा के दिखाएंगे। आखिरी सवाल है आपसे, ये इतना गठबंधन आप कर रहे हैं, कांग्रेस से भी कुछ बातें चल रही हैं आपसे? हमसे किसी से कोई बात नहीं है, हमारी बात अपने मोर्चे को बढ़ाने के लिए अपने मोर्चे के लोगों से करते हैं, जिसको इसमें शामिल होना है वो आवे, हम नहीं जा सकते किसी के यहाँ। गठबंधन काम करेंगे सपा से या? हमारे जो विचार हैं, हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं 5 साल लगातार। हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य और समान शिक्षा लागू करना चाहते हैं। हम प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। हम प्रदेश में भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं, अगड़ा पिछड़ा नहीं, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, हम आपस में मिलकर के भाईचारा की हैसियत से रहें, ये जो कायम करना चाहें उनका स्वागत है। अच्छा ठीक है, जिला पंचायत जो चुनाव चल रहा है उसमें आपने देखा होगा बीजेपी ने बड़ा खेल किया है, ये आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर से, पूरे उत्तर प्रदेश के गुंडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो गुंडे गुंडे ही कर रहे हैं। जो भी अपराधी बीजेपी में शामिल होता है ना, ऐसी वॉशिंग मशीन इधर से हिलता है और उधर क्लीन चिट होकर निकल जाता है, वही गुंडे इनके यहाँ गुंडई कर रहे हैं। चाहे गोरखपुर की सीन देखिए, बलरामपुर की देखिए, बांदा की देखिए, मंत्री बैठ करके निर्वाचन अधिकारी के यहाँ वो पेपर जांच कर रहा है,
यही है लोकतंत्र, यही है बीजेपी। तो इनकी गुंडई साल भर के बाद इनके सभी मेंबर उलाट के दिखाएंगे हम।